वायरलेस आपको हेडसेट लेना समझ में नहीं आ रहा, TWS ले या फिर ईयर डॉट्स ले, ईयरबड्स ले या नेक बैंड ले या फिर स्पोर्ट्स ब्लूटूथ ईयरफोन ले या फिर हेडफोन ले वायरलेस वाला, तो आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आपके पर्पस के हिसाब से आप सेलेक्ट कर पाओगे कौन सा ब्लूटूथ हेडसेट आपको लेना चाहिए। देखो यार, मैंने अपनी लाइफ में सभी तरह के यूज़ कर लिए और सभी तरह के मेरे पास है और मैं सभी तरह की ब्लूटूथ हेडसेट्स को यूज़ करता हूँ, तो मैं काफ़ी अच्छे तरह से एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और उसी एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कैटेगरीज मार्केट में देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो सबसे पॉपुलर कैटेगरीज हैं उन सभी के बारे में बताने वाला हूँ और जो आपको देखने को मिलते हैं ब्रांड्स की तरफ से उन सभी के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन्स। तो ब्लूटूथ ईयरफोन्स आपकी नॉर्मल होती है, कुछ इस तरह की स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये सिंपली क्या होता है, आपके दोनों साइड की ईयरफोन जो होती है उसको एक सिंपली एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है और ये ब्लूटूथ से आपकी चलती है। तो ये सिंपल कुछ इस तरह की ब्लूटूथ ईयरफोन होती है। इसको आप किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो मेरे साथ, मतलब आप सभी को किसी भी पर्पज़ से यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली किसके लिए बेस्ट हो सकती है, ये हो सकती है अगर आप म्यूज़िक वगैरह सुनते हो उसके लिए कर सकते हो, और ये बस इसके अलावा और कुछ मेरे हिसाब से इसके हिसाब से बनता नहीं है। और स्पोर्ट्स में आप इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब आप जिम करेंगे या फिर वर्कआउट करेंगे तो आपका ये जंप करेगा और इस वजह से नीचे गिरने की इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और अगली कैटेगरी है नेक बैंड। नेक बैंड आपको पता होगा, जैसे कि मैंने बताया इस वायरलेस ईयरफोन के बारे में, सेम इसी तरह की होती है, लेकिन इसका जो वायर होता है वो एक बैंड के थ्रू यहाँ पर इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है और ये बैंड आपका गले में डला रहता है और यहाँ से आपकी ईयरफोन कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाती है। अब इस तरह के नेक बैंड का फ़ायदा क्या होने वाला है, तो ये फ़ायदा होने वाला है कि अगर आप ज़्यादा कॉलिंग वगैरह करते हो, मतलब पूरे दिन पता है कुछ ईयरफोन वगैरह लगाए रहते हैं मैंने देखा है, तो उनके लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ हो सकती है, क्योंकि वो पूरे दिन गले में पड़ी रहती है उनकी ईयरफोन, तो इस हिसाब से इसको आप अपने गले में डाले रख सकते हैं और जब यूज़ करनी हो कान में लगा सकते हो और इसका यूज़ कर सकते हो, और फ्री टाइम पर इसको ऐसे गले में नीचे डाल सकते हो और जब यूज़ करनी हो कान में लगाओ, कॉल पर बात कर लो, कॉलिंग के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है और लॉन्ग यूज़ इसके लिए भी है। मतलब पूरे दिन अगर आप ईयरफोन का काम होता है तो आपको जब यूज़ करना हो तो आप इसको लगा सकते हो और बाकी टाइम नीचे इसको डाल सकते हो, और इसको आप म्यूज़िक के लिए भी सुन सकते हो और म्यूजिक का भी एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है। वैसे ये नेक बैंड जो है वो स्पोर्ट्स के लिए भी यहाँ पर प्रमोट किया जाता है, लेकिन यार मुझे नहीं लगता स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा ये कर पाएगा। अगर आप जिम वगैरह करते हो स्टैटिकली ऐसे कुछ इस तरह से करते हो तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको रनिंग वगैरह करते हो उस हिसाब से मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये इस तरह से बाउंस होगा और काफ़ी अनोइंग सा हो जाएगा, और मेरे हिसाब से नेक बैंड स्पोर्ट्स के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। और तीसरी कैटेगरी जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करी है वो है वायरलेस हेडफोन्स। हेडफोन्स आपने देखे होंगे तो कुछ इस तरह के हेडफोन्स होते हैं वायरलेस होते हैं, लेकिन इसमें भी आपको कैटेगरीज देखने को मिलते हैं ऑन ईयर और ओवर द ईयर। ऑन ईयर जो होते हैं वो आपके कान के ऊपर, इसके जो कुशंस होते हैं वो आपके कान के ऊपर रहते हैं, और ओवर द ईयर जो होते हैं वो कुशंस जो होते हैं वो आपके कान के बाहर रहते हैं, मतलब कान पर प्रेशर नहीं होता है। दोनों तरह के मैंने एक्सपीरियंस कर रखे हैं, तो दोनों में ही आपको अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी एक्सपीरियंस कुछ आपको म्यूज़िक का डिफरेंस ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके लिए आप क्या यूज़ किसके लिए यूज़ कर सकते हो, म्यूज़िक के लिए यूज़ कर सकते हो आप इसको, और अपने कंफर्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको हेडफोन्स ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, और कुछ खास इसको मुझे लगता नहीं है। स्पोर्ट्स वगैरह इसके हिसाब से भी मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप रनिंग वगैरह भी करेंगे तो ये थोड़ा आपका बाउंस होगा और ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम पहुँचा सकता है। और नेक्स्ट कैटेगरी में रखना चाहूँगा TWS ट्रू वायरलेस स्टीरियो। तो ये आपने कुछ इस तरह की देखी होंगी, जो कि आप देखते होंगे टिकटॉकर्स वगैरह काफ़ी लगाए रहते हैं इस तरह की व्हाइट कलर की, जैसे आईफोन की रहती है इस तरह की कॉपी भी देखने को मिलते हैं वो इस तरह के लगाए रहते हैं। तो TWS में आपको एक कैटेगरी और देखने को मिलती है ईयरबड्स या फिर ईयर डॉट्स, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो TWS को मैं कहना चाहूँगा, ये जो कुछ इस तरह की ईयरफोन्स होती है इसको हम TWS कहना चाहेंगे, ट्रू वायरलेस स्टीरियो। तो दोनों साइड की आपकी जो ईयरफोन्स होती है वो किसी भी वायर से कनेक्टेड नहीं रहती है, दोनों ही आपस में वायरलेसली कनेक्टेड रहती है, और इसको आप इस तरह से लगा सकते हो, नीचे थोड़ा सा इसका निकला रहता है और ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ईयरफोन का वायर काट दिया हो और इसको आपने कान में लगा दिया हो। अब ये आप किस लिए यूज़ कर सकते हो, म्यूज़िक के लिए यूज़ कर सकते हो, कॉल के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कॉल वगैरह करते हैं तो आप इसके एक साइड भी यूज़ कर सकते हो, दूसरी साइड को अपना रख सकते हो, और इसके साथ आपको एक केस देखने को मिलता है जिसमें आप इसको रखें तो वो चार्ज हो जाएगा। वो बेसिकली एक पावर बैंक की तरह रहता है, वो उससे आप अपनी ईयरफोन्स को जैसे ही उसमें रखेंगे वो केस रहेगा, उस केस में रखते ही आपका चार्जिंग होनी शुरू हो जाएगी। 3-4 बार आप इसको चार्ज कर सकते हैं, अलग अलग ब्रांड की बैटरी कैपेसिटी पर ये डिपेंड करता है, तो कुछ इस तरह के काम करता है। सेम इसी तरह के आपको देखने को मिलते हैं ईयरबड्स या फिर ईयर डॉट्स भी कुछ ब्रांड्स बोलती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो आपको TWS में नीचे आपको ये निकली हुई देखने को मिलती है, ये नहीं देखने को मिलती है, बेसिकली होती ये भी TWS है, लेकिन मैं इसको और फर्दर कैटेगराइज कर रहा हूँ अपनी हिसाब से।
तो यहाँ पर ईयर बड्स या फिर ईयर डॉट्स जो होती है वो बिल्कुल आपके कान के अंदर चली जाती है और बिल्कुल कान के बाहर नहीं निकलती है। अब ये किस लिए यूज़ कर सकते हो, अगर आप नहीं दिखाना चाहते हो कि मैंने ईयरफोन वगैरह लगा रखे हैं, ऐसा क्या काम करोगे भाई, तो इसलिए आप यूज़ कर सकते हो या फिर आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हो। कुछ लोगों को इस तरह की ईयरफोन कंफर्टेबल लगती है, कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल लगती है। मेरे हिसाब से मुझे तो ये कंफर्टेबल लगती है, मैं काफ़ी अच्छा इसमें कंफर्ट फील करता हूँ और इसमें आपकी नॉइस कैंसिलेशन काफ़ी अच्छी होती है, बाहर की आवाज़ भी बहुत कम जाती है क्योंकि ये पूरी आपके कान को बंद कर देते हैं अंदर अंदर ही। तो इस तरह का आप यूज़ कर सकते हो। इसका भी केस आता है जिसमें आप रख सकते हो और ये चार्ज हो जाता है और अलग अलग आप 2-3 बार इसको चार्ज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है उसके केस की। और ये किस लिए यूज़ कर सकते हो, म्यूज़िक के लिए यूज़ कर सकते हो, कॉल के लिए यूज़ कर सकते हो जैसे कि TWS को आप यूज़ करते रहे, और आप स्पोर्ट्स में भी इसको एक बार को ट्राई कर सकते हो क्योंकि स्पोर्ट्स में बाहर निकलने का इसमें कुछ चक्कर नहीं रहता, जब कान में जाती है अंदर तो बिल्कुल फिट हो जाती है और ये बाहर निकलने में या फिर अगर रनिंग वगैरह भी कर रहे हैं आप हैवी तो ये बाहर निकलने का उसका डर नहीं होता है। TWS में वो बाहर जो निकली रहती है ना ये, तो अगर आप रनिंग वगैरह करेंगे तो वो आपका यहाँ से प्रेशर जनरेट होगा और वो जो निकल रही है वो भी एक प्रेशर नीचे की तरफ जनरेट करेगा जिसकी वजह से ऊपर की तरफ प्रेशर पड़ेगा और वो नीचे गिरने के चांसेस रहते हैं। तो मेरे हिसाब से इसको स्पोर्ट्स के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो। और अगली कैटेगरी रखना चाहूँगा मैं ब्लूटूथ हेडसेट। इसको पर्टिकुलरली कुछ नाम देखने को नहीं मिल रहा लेकिन आप इसको ब्लूटूथ हेडसेट बोल सकते हो, जो कि सिर्फ एक साइड के लिए रहता है, जो कि आप देखते होंगे काफ़ी पुराने टाइम में भी देखा होगा आपने मूवीज वगैरह में, जो कि आप कॉलिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो। इसका और कोई पर्पस नहीं होता, सिर्फ आप कॉलिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस पे इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप TWS ले लो या फिर ईयरबड्स ले लो, जो कि आप कॉलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपको ब्लूटूथ हेडसेट काम करते हैं उस तरह से उसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको ब्लूटूथ हेडसेट लेना है, जैसे कि आपने देखा होगा इसमें आपको ईयर क्लिप भी देखने को मिलता है, आप अगर बाइक वगैरह पर ब्लूटूथ लगाकर आपको कुछ रनिंग का काम है, जो कि आप इधर से उधर ट्रैवल करते रहे तो कॉल वगैरह रिसीव करनी होती है, तो आप इसका डेफिनेटली ये आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं क्योंकि ईयर क्लिप रहेगी, वो ये आपकी निकल के गिरेगी भी नहीं और आप इसमें कॉलिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से कर पाओगे क्योंकि ब्लूटूथ की ये थोड़ी लंबी रहती है, जिसका माइक जो है वो आपके मुंह के पास ज़्यादा रहता है, तो इससे आपको साउंड क्वालिटी सामने वाले को अच्छी देखने को मिल सकती है क्योंकि माइक आपके ज़्यादा नज़दीक रहता है। तो ये सिर्फ कॉलिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो, जो कि ज़्यादा कॉलिंग वगैरह करते हो और रनिंग का उनका ज़्यादा काम रहता है। और अगली होती है स्पोर्ट्स ब्लूटूथ ईयरफोन। स्पोर्ट्स ब्लूटूथ ईयरफोन जो होती है वो बिल्कुल वायरलेस ईयरफोन जैसी होती है, जैसे कि मैंने शुरू में सबसे पहले जो दिखाया था सेम उसी की तरह होती है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है, इसमें होते हैं ईयर क्लिप्स और ये ईयर क्लिप्स जो होते हैं वो आपके यहाँ पर कान पे बिल्कुल जकड़ जाते हैं, मतलब आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा लेकिन आपके कान से निकल के नहीं गिरेगी, चाहे आप रनिंग कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो ये बिल्कुल कान पे फिट रहेगी। और इसके अंदर की जो फिटिंग होती है ये भी आपकी बिल्कुल इस तरह से फिट हो जाती है कि आपको ये निकलने में काफ़ी मतलब और बिल्कुल बाहर के साउंड भी अंदर नहीं जाएगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिट हो जाती है। इसके आगे का जो सिलिकन वाला इसका ईयर डॉट्स होती है वो आपके कान के अंदर रहते हैं, लेकिन इसके बाहर भी एक और मोटा सा इन्होंने सिलिकन टाइप का बना रखा है, जो कि आपके फर्दर ये जो कान का बाहर का एरिया बचता है उसको भी कवर कर लेता है, जिसकी वजह से बाहर की नॉइस अंदर नहीं आती है और आपके कान में काफ़ी अच्छे से फिट हो जाता है। तो इस वजह से ये ना तो बाहर निकलेगा और बाहर के साउंड भी काफ़ी ज़्यादा, ये नॉइस पैसिव नॉइस कैंसिलेशन इसमें अच्छी देखने को मिल जाती है और ईयर हुक भी रहता है जो कि कान के ऊपर से आपके बिल्कुल फिट रहते हैं। मतलब स्पोर्ट्स के लिए इन्होंने बिल्कुल सही नाम दे रखा है, स्पोर्ट्स के लिए आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हो, चाहे आप रनिंग कर रहे हो, जिम कर रहे हो या फिर कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह योगा वगैरह करो, बिल्कुल निकल के नहीं जाने वाली है। और मैं कुछ भी दंगल कर लो भाई, ये कहीं भी निकल के नहीं जाने वाली है, तो आप डेफिनेटली स्पोर्ट्स के पर्पस से इसको यूज़ कर सकते हो और म्यूज़िक के हिसाब से भी इसको यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें नॉइस कैंसिलेशन, पैसिव नॉइस कैंसिलेशन काफ़ी बेटर देखने को मिलते हैं क्योंकि बाहर की साउंड अंदर नहीं जाती है। और ये बिल्कुल ऐसा काम करता है जैसे हेडफोन आपको पूरा कान को कवर कर लेता है, बाहर की साउंड नहीं आती है, इसी तरह ये अंदर से इसकी पूरी कवर कर लेता है, जिसकी वजह से इसमें साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल सकती है। म्यूज़िक और स्पोर्ट्स के लिए मैं इसको रिकमेंड करूंगा। तो यार मैंने सब कुछ आपको जितने भी पॉपुलर कैटेगरीज थे सब कुछ बता दिया, अब आप इसमें से कौन सा डिसाइड करके खरीदने वाले हो नीचे कमेंट करके बताना, और वायर्ड ईयरफोन या फिर हेडफोन्स के बारे में जानना है तो भी नीचे कमेंट करके बताना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। और इस तरह की वीडियो अभी तक यूट्यूब पर किसी ने बनाई नहीं थी तो सोचा यार बना देते हैं और आपको नॉलेज दे देते हैं। तो इस बात में वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो ऐसे और वीडियोस के लिए, ये वीडियोस देखिए, आप ये वीडियोस भी देख सकते हो।